हेलो गाइस, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डू एसएससी क्लास 10 इंग्लिश कुमार भारती लेसन 3.2। नेम ऑफ द लेसन इज़ द नाइट आई मेट आइंस्टीन। कि इट इज़ रिटन बाय जेरोम विडमैन। ओके, दिस इज़ द नाइट आई मेट आइंस्टाइन। दिस आर्टिकल इज़ रिटन बाय Jerome Weidman. He was born in 1913 and he passed away in 1998. He was an American playwright and novelist. Playwright yani jo drama likhte hain, and also he was a novelist yani jo novel likhte hain. In 1960 he won the Pulitzer Prize for his work, a musical drama titled Fiorello. He collaborated with George Abbott, Jerry Bock and Sheldon Harnick टू फॉर इट्स म्यूजिक एंड लिरिक्स। अभी 1960 में इनको ये प्राइज मिली थी। कौन सी प्राइज? पुलित्ज़र प्राइज। व्हाट इज़ दिस एक्चुअली? यूएस में कोई भी म्यूजिक के लिए या कोई ड्रामा नॉवल वगैरह के लिए प्राइज मिलती है, तो इनको ये प्राइज मिली थी म्यूजिकल ड्रामा के लिए। फिर इन्होंने क्या किया था, कोलेबरेटेड यानी मर्ज टुगेदर उनके साथ काम किया था जॉर्ज एबॉट, जेरी बॉक एंड शेल्डन हानिक के लिए, म्यूजिक एंड लिरिक्स के लिए उनके साथ काम किया था। हिज बुक आई कैन गेट इट फॉर यू होल सेल हैज़ ऑल्सो बीन यूज फॉर अ मूवी ऑफ द सेम नेम। इन्होंने जो बुक लिखी थी आई कैन गेट इट फॉर यू होल सेल, ये बुक के नाम के ऊपर मूवी भी बनी है। सो दिस इज़ वॉट अबाउट द राइटर ऑफ दिस लेसन, जेरोम विडमैन, जिन्होंने एक्सपीरियंस लिखा है। जब भी वो आइंस्टाइन को मिले थे एक रात में, वो जो उनका एक्सपीरियंस था उनके बारे में इन्होंने लिखा है। ओके, सो बिफोर वी मूव टू दी लेसन, लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर टू मल लर्न विथ BS, आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसे लगा, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। जो भी मेरे नए वीडियोज़ आएंगे आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, तो इसके लिए बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। वेन आई वॉज अ वेरी यंग मैन आई वॉज इन्वाइटेड टू डाइन एट द हाउस ऑफ अ फिलैंथ्रोपिस्ट। आफ्टर अ वंडरफुल डिनर आवर हॉस्टेस टूक अस टू अ लार्ज ड्रॉइंग रूम, चेयर्स वर बींग अरेंज्ड। I am arranging the chairs for a concert, my hostess said. We are going to listen to a very good pianist. Okay, now writer is telling ki when he was young, unko dine yani to have dinner. Dinner pe kisi ke ghar mein bulaya gaya. Jo tha philanthropist. Philanthropist ka matlab hota hai a person who loves mankind. Jo dusre insanon ko pyar karta hai, aise aadmi ko bolte hain फिलेंथ्रोपिस्ट। तो उनको डिनर के लिए इनवाइट किया गया कि जहाँ पे ह्यूमन काइंड को प्यार करने वाला था आदमी। आफ्टर वंडरफुल डिनर क्या हुआ, उनकी जो हॉस्टेस, अभी हॉस्टेस क्या होती है, अ वुमन हु इनवाइट्स गेस्ट टू अ सोशल इवेंट। जहाँ पे भी कुछ गैदरिंग होती है, कुछ सोशल इवेंट है, उनको जो एड्रेस करता है उसको बोलते हैं हॉस्ट। अगर फीमेल होती है तो बोलते हैं हॉस्टेस, मेल होगा तो होस्ट, अगर फीमेल होगी तो हॉस्टेस बोलते हैं। तो जहाँ पे उनको डिनर के लिए इनवाइट किया गया, वहाँ पे जो हॉस्टेस थी फीमेल थी, वो उनको ड्राइंग रूम में लेके गए। ड्राइंग रूम क्या होता है, बड़ा सा हॉल के बैठने के लिए वहाँ पे चेयर्स लगा रहे थे। तो वो लेडी ने बोला, हॉस्टेस ने बोला कि यहाँ पे अभी कॉन्सर्ट चालू होगा, उसके लिए हम चेयर्स लगा रहे हैं। कॉन्सर्ट क्या होता है, अ परफॉर्मेंस ऑफ म्यूज़िक बाय प्लेयर्स और सिंगर्स। कोई भी म्यूज़िक या इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कोई भी म्यूज़िक रिलेटेड गैदरिंग होती है, शो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सर्ट। तो उसने क्या बोला, कॉन्सर्ट के लिए चेयर्स अरेंज कर दी जा रही हैं एंड आप किसी पियानिस्ट को सुनोगे। पियानो पता है, द पर्सन हु प्लेस पियानो इज कॉल्ड पियानिस्ट। तो अभी आप किसी को, हॉस्टेस जो है सबको बता रही है कि अभी कॉन्सर्ट होगा और जहाँ पे आप एक पियानिस्ट को सुनेंगे। दो एवरी वन एल्स वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज नॉट। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक, आई थॉट आई वॉज टोन डिफ। आई सेट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट
एंड वेटेड फॉर द कॉन्सर्ट टू बिगिन। आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूजिक आफ्टर इट बिगैन। अभी जो राइटर है वो अपने लिए बता रहे हैं कि सब कोई खुश था बट मैं खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको म्यूज़िक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। राइटर को म्यूज़िक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उनको कुछ भी क्लासिकल म्यूज़िक समझ में नहीं आती थी। उनको लगता था मैं टोन डेफ हूँ। टोन डेफ क्या होता है? अनेबल टू हियर द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो नोट्स ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक में एक होता है हाई नोट्स लो नोट्स, तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आता था उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो उनको क्या लगता था कि मैं टोन डेफ हूँ, म्यूज़िक म्यूज़िक मेरे बस की बात नहीं। बट क्योंकि अभी वो वहाँ पे गेस्ट बन के गए थे तो होस्ट को नाराज़ नहीं कर सकते कि मैं नहीं बैठूँगा। ही नेवर वॉन्टेड टू बी इम्पोलाइट यानी मैनरलेस। इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं मैनरलेस बनूँ। इसके लिए उन्होंने क्या किया, चुपचाप जाके वहाँ पे बैठ गए। आफ्टर अ वाइल आई हर्ड एवरी वन क्लैपिंग सो आई रियलाइज दैट द पीस वॉज ओवर। जस्ट देन आई हर्ड जेंटल बट फर्म वॉइस सेइंग यू आर फॉन्ड ऑफ बाक। अभी सडनली से क्या राइटर ने रियलाइज़ किया कि सब लोग क्लैप कर रहे हैं। क्लैप करें यानी उसको लगा कि ज़रूर वो पीस, वो गाना, कुछ जो पार्ट है कॉन्सर्ट का पूरा हो गया तो सब लोग क्लैप कर रहे हैं। और तभी सडनली से एक आदमी की आवाज़ आई, फर्म वॉइस, कड़क आवाज़ आई, आर यू फॉन्ड ऑफ बाक, तुम बाक के शौकीन हो। आई न्यू एज मच अबाउट बाक एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। I was going to say something ordinary so that I could get out of the situation. I turned in order to look at my neighbor and I saw a very famous face. It was someone with a shock of white hair and a pipe. I knew that I must tell this man the truth. He looked at me as if my answer was very important. Okay, abhi bark pehle to let me tell you what is bark. Ye jo hai photo hai bark ka. John Sebastian Bach. He was a German organist and composer of the 17th century. 17th century में जर्मनी में ये कंपोज़र और ऑर्गनिस्ट थे, ऑर्गन बजाते थे और उनकी कंपोजिंग भी करते थे कि तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे। तो वो आवाज़ जो उसके बाजू में आई, तुम बाग के शौकीन हो, अभी राइटर को पता ही नहीं था। उनको लग रहा था जैसे मेरे लिए न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है तो ये मिस्टर बाग के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है, कौन सी हस्ती है। तो उसने पूछा, उसने देखा कि साइड में एक आदमी खड़ा है जिनके अनटाइडी से हेयर थे, वाइट हेयर थे और क्या था, मुंह में पाइप था। तो उसको लगा कि मैं इसको बोल दूँ ये आदमी को कि मुझे कुछ भी पता नहीं। बट उसको क्या, वो उसके आंसर के लिए वेट कर रहा था कि जैसे कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। भी राइटर को लग रहा है मेरे आंसर के लिए ऐसे वेट कर रहा था जैसे कि मैं कोई बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी हूँ, इतना मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा था। कि सवाल क्या था, तुम बाग के शौकीन हो। कि आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बाग, आई सेड। आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ हिज म्यूजिक। He looked surprised. You have never heard of Bach? He asked. He made it sound as if I had said that I had never taken a bath. Okay, अभी उन्होंने पूछा तुमको बाग को नहीं पहुँचा तो? इसने बोला नहीं, मैंने कभी भी बाग को सुना नहीं है, उसकी कभी भी म्यूजिक सुनी नहीं है। तो वो आदमी को सरप्राइज लगा, अरे तुम बाग को नहीं पहचानते, कभी इसको नहीं सुने। तो ऐसे साउंड कर रहा था, राइटर को लगा कि जैसे मैंने ऐसे कुछ बोल दिया कि मैं कभी नहीं नहाता हूँ, ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कभी नहाता नहीं हूँ। एस आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बाक, आई सेड, बट आई एम नॉट एबल टू, आई एम टोन डिफ। अभी राइटर ने बोला नहीं, मैं चाहता तो ही म्यूजिक सुनना पर मुझे समझ में नहीं आती, मुझे लगता है मैं टोन डेफ हूँ। द ओल्ड मैन गॉट अप। यू विल कम अप विथ मी, ही आस्ट। आई जस्ट रिमेन सीटेड। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, ही सेड अगेन। अभी वो आदमी ने क्या बोला, तुम मेरे साथ आ सकते हो। ये फिर भी बैठा ही रहा, बोलता नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम मेरे साथ आ जाओ। सो आई वेंट अप विथ हिम, ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। अभी वो आदमी उसको ऊपर रूम में लेके गया जहाँ पे ग्रामोफोन पड़ा था। उसने बोला
राइटर को किस तरह का गाना सुनना चाहोगे? वेल आई आंसर्ड, आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून. ही स्माइल्ड एंड नॉडेड, ऑब्वियसली प्लीज्ड. यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स. अभी उसने पूछा राइटर को, तुम किस तरह का गाना सुनना पसंद करोगे? तो इसने स्माइल किया, राइटर ने स्माइल किया एंड नॉडेड. नॉडेड यानी मूड हेड अप एंड डाउन टू इंडिकेट एग्रीमेंट. जब भी हम हाँ बोलते हैं तो हाँ बोलने के लिए से मुंडी हिलाई. ओके, मुझे ऐसा गाना सुनना है जहाँ पे मैं ट्यून फॉलो कर सकूँ, अ काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो ट्यून, मैं सुन सकूँ. तो उसने आदमी ने स्माइल किया और अपनी मुंडी हिलाई और पूछा कि कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कि ना, कौन से टाइप का गाना है जो तुमको समझ में आएगा, तो कोई एग्जाम्पल दे सकते हो. आई टोल्ड हिम आई लाइक एनी थिंग बाय बिंग क्रॉसबी. एट वंस आई कुड हियर बिंग क्रॉसबीज वॉइस फिलिंग द रूम. अभी राइटर ने बोला कि मैं बिंग क्रॉसबी को सुनना चाहूँगा. अभी वो क्या है, ही इज़ एन अमेरिकन सिंगर एंड एक्टर. जैसे कोई उसने एक्टर का नाम बताया, उसका गाना बताया कि वो सुनना चाहूँगा, और इमिडिएटली वो आदमी ने क्या किया, उसका गाना उसको सुनाया. नाउ यू कैन प्लीज़ टेल मी वॉट यू जस्ट हर्ड. अभी आपको पता है ग्रामोफोन क्या होता है? एक मशीन है फॉर प्लेइंग रिकॉर्डेड म्यूज़िक. अभी आजकल के ज़माने में सीडी प्लेयर, पहले कैसेट रिकॉर्डर आता था फिर सीडी प्लेयर, तो वैसे ही ओल्ड टाइम में ऐसे सीडी के जैसे बड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड रहता था, उसको उसमें ग्रामोफोन में चलाते थे ज़ोर से आवाज़ सुनने के लिए. तो उसने भी क्या किया, वो आदमी ने इसको, वो आदमी एक्चुअली कौन था, लेट मी टेल यू, ही वॉज आइंस्टीन. ठीक है, वो आइंस्टीन ने इसको रिकॉर्ड चलाया, क्योंकि इसको वो सिंगर जो था बिन क्रॉसबी का, उसको सिंगिंग सुनना था, तो उसका गाना चलाया. और उस गाना सुनाने के बाद उसको बोला, अभी बताओ तुमने क्या सुना. द सिंपलेस्ट आंसर सीम टू बी टू सिंग द लाइन्स आई सैंग इट बैक टू हिम. अभी पूछा आइंस्टीन ने, तुमने क्या सुना, तो उसने जो भी गाना था वो गाया. ही स्माइल्ड, यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड. आई टोल्ड हिम दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, समथिंग आई हैड हर्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सो इट डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग. कि ये जो गाना मैंने गाया, मैंने 100 बार सुन चुका हूँ, तो वो तो मैं गा ही सकूँगा. आप बोल रहे हो तुम टोन डेफ नहीं हो, बट ये मैं क्यों गा सकता हूँ, क्योंकि मैंने 100 बार ये गाना सुना है. नॉन सेंस, सेड आइंस्टाइन. इट प्रूव्स एवरीथिंग. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल? सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ नंबर्स, योर टीचर हैड ऑर्डर्ड यू टू वर्क आउट अ प्रॉब्लम इन से लॉन्ग डिविजन और फ्रैक्शन, कुड यू हैव डन इट? अभी आइंस्टाइन ने बोला, दिस इज़ नॉन सेंस आंसर. तुम एक बात बताओ, जब भी तुम स्कूल में अर्थमेटिक सीख रहे थे, तो टीचर ने तुमको सीधा प्रॉब्लम्स दिए थे डिविजन्स फ्रैक्शन सब ये करने के लिए? पहले तो ज़रूर उसने नंबर्स बताए थे, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाई थी, कि सीधा ही तुमको प्रॉब्लम्स दे दिए? नहीं ना. अगर तुमको सीधा ही प्रॉब्लम्स दे देती थी डिवीजन फ्रैक्शन, तो तुम कर पाते थे? नहीं. तो पहले हमेशा क्या, नंबर्स मिलते थे तुमको स्कूल में, ऐसे उसको समझाया. नो ऑफ कोर्स नॉट, एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स. यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस्ड. तो आइंस्टाइन ने बताया वही बात है, जैसे तुम पहले नंबर सीखने पड़ते हैं, फिर ही एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, वैसे ही म्यूज़िक के लिए भी हमको बेसिक समझना पड़ता है. अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा वाला गाना चलाता हूँ. भी वो उसमें ग्रामाफोन, ये देखो ऐसे रिकॉर्ड रहता है. मैं तुम्हारे लिए दूसरा गाना चलाता हूँ. इट वॉज जॉन मैककॉमैक सिंगिंग, द ट्रम्पीटर सिंग दैट बैक ही ऑर्डर्ड. अभी इन्होंने दूसरा गाना चलाया दूसरे सिंगर का, और राइटर को बोला तुम वापस ये गाना गाओ. एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल अंटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूजिक विदाउट वर्ड्स. आई वॉज अमेज दैट दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी, सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू. इट वॉज एज इफ आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. सडनली गॉट अप एंड टर्न्ड ऑफ द ग्रामोफोन. नाउ यंग मैन, ही सेड, वी आर रेडी टू लिसन टू बाक. अभी उन्होंने क्या किया, आइंस्टीन ने एक गाना चलाया दूसरा गाना चलाया, इसको बोला तुम गाते जाओ. आखिर में लास्ट में ऐसा रिकॉर्ड चलाया जिसमें सिर्फ म्यूज़िक था, उसमें कोई गाने वाली आवाज़ नहीं थी, और लो टोन से अपनी हायर लेवल वाले गाने चलाता गया.
ठीक है। फाइनली इन्होंने क्या किया, ग्रामोफोन बंद किया और बोले चलो अभी हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सर्ट में बाघ को सुनने के लिए। वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल, जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू लिसन ही सेड, दैट्स ऑल देयर इज टू डू इट। अब इन्होंने क्या बोला, इधर हॉल में बैठो कॉन्सर्ट सुनो, बस यही तुमको करना है, सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है। आई हैव हर्ड दैट पीस मैनी टाइम्स सिंस दैट डे, बट आई एम नेवर अलोन। आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन विथ अ शॉक ऑफ अनटाइडी हेयर एंड अ पाइप इन हिज माउथ। ही हैज़ आईज दैट आर अनयूजअली वार्म। वेन द कॉन्सर्ट एंडेड आई टू वॉज एबल टू क्लैप सिंसियरली। और हॉस्टेस केम टूवर्ड्स अस एंड वी बोथ स्टूड अप। अभी राइटर इज टेलिंग कि मैं उसके बाद ये बहुत बार सुन चुका हूँ ये, और जो मेरे बाजू में हमेशा आदमी होता है वो अनटाइडी शॉक ऑफ हेयर, बाल बिखरे हुए वाइट और माउथ में पाइप होता है उनके साथ। और जो था कि कॉन्सर्ट क्या हुआ, ऐसे एंड हो गया, बट अभी राइटर बोल रहे हैं कि मैं सच में क्लैप कर पाया क्योंकि मुझे अभी सच में वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसके लिए सबके साथ मैंने भी क्लैप किया। और उसके बाद क्या हुआ, जो हॉस्टेस हैं आ गई इनसे बात करने के लिए और ये दोनों खड़े हो गए, आइंस्टाइन एंड राइटर दोनों खड़े हो गए। हॉस्टेस आई उनके बाजू में। आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, शी सेड गिविंग मी ए कोल्ड लुक दैट यू मिस्ड सो मच। तो वो एयर हॉस्टेस ने बोला कि मैम सॉरी कि आपको इतना सब कुछ मिस करना पड़ा, आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी टू ही सेड, माई यंग फ्रेंड हियर एंड आई हाउएवर वर एंगेज्ड इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी विच अ ह्यूमन बींग इज कैपेबल। अभी आइंस्टाइन ने बोला कि मैं भी सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज मैं एक अच्छे काम में एंगेज था तो मैंने मिस किया उसके लिए, बट जो मैं ह्यूमन बींग विच अ ह्यूमन बींग इज कैपेबल, जो ह्यूमन बींग कर सकता है ऐसे ही कोई अच्छी एक्टिविटी में मैं बिजी था, तो सॉरी मेरी तरफ से क्योंकि मैंने भी मिस किया। शी लुक्ड पजल्ड, रियली शी सेड एंड वॉट इज दैट, ऐसा कौन सा काम था जो आप कर रहे थे। आइंस्टाइन स्माइल एंड पुट इज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर्स ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी। आइंस्टाइन ने अपना हाथ मेरे यानी राइटर के शोल्डर के रखा और बोले कि हम ब्यूटी के गेट खोल रहे थे, फ्रंटियर्स यानी गेट, यू कैन से बॉर्डर, यू कैन से हम ब्यूटी के गेट, ब्यूटी के बॉर्डर्स खोल रहे थे। सो सी हाउ नाइसली ही हैज़ प्रेजेंटेड हिम सेल्फ, हाउ नाइसली ही हेल्प द पर्सन हु वॉज अनअवेयर ऑफ द म्यूजिक। इतना तो कोई भी इम्पोर्टेंस कोई अजनबी को नहीं देता है, तो किस तरह के आदमी आइंस्टाइन थे आप समझ चुके होंगे। सो दिस इज़ वेरी नाइस लेसन फ्रॉम विच वी कैन लर्न समथिंग। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।